नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण भक्त मीरा, आइए जानते हैं मीरा के जीवन परिचय और उनके भक्ति कथा के बारे में। जोधपुर बसाने वाले प्रसिद्ध जोधा जी की परपौत्री, राव दूदा जी की पौत्री तथा मेड़ता के राठौर रतन सिंह की पुत्री थी मीराबाई। इन्होंने कृष्ण प्रेम के कारण संत शिरोमणि का पद पा लिया था। गांव दड़की में संवत 1573 को मीरा का जन्म हुआ। माना जाता है कि मीरा पूर्व जन्म में श्री कृष्ण की गोपियों में से एक थी। प्रभु प्रेम का इनके जीवन में अनंत माधुर्य था। विवाह योग्य आयु होने पर उनका विवाह कुमार भोजराज के साथ हुआ, जो उदयपुर के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मगर मीरा तो तन मन से श्री कृष्ण की हो चुकी थी, अतः सांसारिक संबंध चला नहीं। जल्दी ही पति की मृत्यु भी हो गई। मीरा के पदों से पता चलता है कि उनके वास्तविक पति तो श्री कृष्ण ही थे, वे अमर थे। मीरा को सांसारिक पति के रहते हुए भी अनेक यातनाएं झेलनी पड़ी। उनकी मृत्यु के बाद आपदाएं बढ़ती ही गई। इसी मुसीबत में उन्हें घनश्याम की सुंदर मूर्ति किसी साधु से प्राप्त हुई, जो हर समय उनके साथ रहती और साथ देती। अनेक दुख सहन किए, अनेक घटनाएं घटी। एक दिन आया जब मीरा ने लोकलाज का पर्दा उतार फेंका। अब वह गली गली, मंदिर मंदिर जाती तथा कृष्ण भक्तों संतों में कीर्तन करती, नाचती, गीत गाती। कोई दिखावटी मखौटा नहीं, श्री कृष्ण को ही प्रियतम मानती। उन्हीं का सानिध्य पाने के लिए बावरी बनी रहती। राजसी घराने की बेटी तथा बहू फिर यूं नाचना गाना और मंदिरों में रातें बिताना उनके देवर राजा विक्रमाजीत को अखरा करता। अतः मीरा को मारने के लिए उन्हें कभी विष पिलाया, कभी विषधर सांप भेजा, लोक निंदा बहुत हुई। मगर वह तो रात को कमरा बंद कर अपने कृष्ण से प्रेमालाप करती रहीं। उनका कोई भी षड्यंत्र अपने मार्ग से हटा नहीं पाया। जब परिवार से मन बहुत दुखी हो गया और परिवार से तंग आ गई तो घर छोड़ दिया, जा पहुंची वृंदावन। यहाँ की गली गली कूचा कूचा उनका पूर्व जन्म में देखा हुआ था सब कुछ याद आता गया। वह वहाँ रहकर अपने प्रियतम श्री कृष्ण के लिए मतवाली बनी रहती, नाचती गाती भागती और फिर श्री कृष्ण की यादों में खो जाती। एक बार तो गोस्वामी तुलसीदास के उपदेश को भी हृदय में उतार लिया। श्री कृष्ण को ही प्रेम मानती, उन्हें ही अपना सर्वस्व अर्पित करती। गोसाई चरित नामक पुस्तक में भी इनका वर्णन है, जिसे श्री बेनी माधव दास ने तैयार किया था। जब मीरा द्वारका गई तो पाँव में घुंघरू बांधकर खूब नाची। श्री कृष्ण को रिझाने तथा पाने के लिए वह प्रेम लीला किया करती। रणछोड़ मंदिर में जब वह नाचती, सारी द्वारका उन्हें देखने तथा नमन करने पहुंच जाती। इसी मंदिर में नववधु के रूप में वह एक दिन रणछोड़ की मूर्ति में समा गई। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।